पिछले 7 महीनों तो लगातार जारी है किसान अंदोलन, जिहड़ा कह के है किसानी कानूनों करके, जिहड़ा कि खेतीबाड़ी कानून लियांदे गए सन केंद्र सरकार द्वारा। सो उन्हां कानूनों के विरोध के विच लगातार डटे हुए हैं किसान, ते किसानां वल्लों प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान जिथे कि उन्हां वल्लों लगातार केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा, उत्थे ही भाजपा के जो आगू हैं, नुमाइंदे हैं, उन्हों का भी विरोध उन्होंने वालों किया जा रहा है। इसे दे चलते हुए कल राजपुरा के एक मामला सामने आया सी, जिसन लैके जो है भाजपा वालों एक हूँ जी तादाद कसी जा रही है, तो उन्होंने वालों बठिंडा के भी अज है भाजपा आगुआ वालों पहुँच के जो है एस एस पी मंग पत्र दिता जा रहा अपने मंगों लैके। इसे दौरान जिथे कि भाजपा के आगू बठिंडा के एस एस पी दफ्तर विखे पहुंचे हैं, उत्थे ही किसान आगू भी इतने पहुँच गए हैं। किसान आगू पहुँच गए हैं भाजपा का घिराओ करने के लिए, भाजपा के नेता जिहड़े अगे अंदर गए हुए हैं उन्हां दा घिराओ करने के लिए पहुँच गए हैं। मैं कैमरामैन कहूँगा कि वह एक बार शॉट जरूर दिखा देन कि इतने लगातार जो हैं किसान खड़े हुए हैं, तो उन्हां वल्लों जिथे कि किसानों वल्लों घिराओ किया जा रहा ते नारेबाजी भी जी की जा रही है किसानों वालों, क्योंकि किसानों दी मंगा यही है किसान नेतावां वल्लों नारेबाजी करके जिहड़े है भाजपा सरकार दा ते भाजपा दे नेतावां दा विरोध किया जा रहा। वो इस बारे हुण गलबात भी करदे आ जी, अज क्यों अज तुहानूं इत्थे इकट्ठा होना पै रिहा ते की अज दी रणनीति है तुहाडी? इह अज कहिंदे मंग पत्र देण आए ना भी जिहड़ा साडा राजपुरे दे विच इहनां ने विरोध कराया किसानां नूं, इहदे परचे दर्ज करो, उहदा इह मंग पत्र देणा है। साडे मंग पत्र भारत सरकार नूं सारे एम एल ए नूं सारे एमपीआं नूं दित्ते, साडे मंग पत्रां दा की बणिया? किन्ने डीसीआं नूं मंग पत्र दिते है भी जिहड़े काले कानून है वापस होण, आप ही चक्के कहिंदे मंग पत्र देणा, साडे पहलां मंग पत्रां दी सुनवाई कर दे लैण तों बाद मंग पत्र। इस करके जिन्ना चिर सानूं सड़कां ते रोल देण उन्ना चिर इहनूं बाहर नहीं निकल देवांगे, उन्ना चिर इहनां दा विरोध जचमा करांगे, कुछ भी हो जाए, सिर पाड़े जाण, जिहड़ी वग जाए, कुछ करिए, जिहड़ा जो आ के भी इही कुछ करांगे। इन्हां दी करतूत सरकार ने इसने देश बेचता, वो अंबानियां अडवाणियां नूं संभाउण जा रहे है। कुल दुकानदार मजदूर किसान जो भी रोटी खांदा है वह कुल दे इह ढिड छुरा मार रहे ने, कह रहे कानून वध गया। कोई कानून नहीं वधिया, जे कानून वध गया फिर लोग नाराज क्यों है? जे कानून वध गया पहला क्यों ना दसे शीबी ने भी आ कानून वध गया थोड़े वास्ते बनाउण जा रहे हैं, फिर वह हुण क्यों यह मंग पत्र देन लगे, तो हुण क्यों मीटिंगां करन लगे है भी किहड़े लुट किसानां नूं दबाया जाए? वह किसे किस्म नहीं दबांगे। अज भी इत्थे मंग पत्र देन आए गए, दसदे विंट आया वै पुछो वाला जां होर लोकल इत्थों दे आए वे, उहनां दा जच के विरोध करांगे, कालियां झंडियां भी साडे कोल, नाराबाजी भी करांगे, उहनां नूं घर तक छड्डण दी कोशिश भी करांगे, जितमान उहनां दा पूरा करके जावांगे। इस दौरान जिथे कि ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈ ਹਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾੜਕੂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਸਲਵਾੜ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਗਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਦਾਰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ? 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੂ। ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਹੂਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਲ।